वहीं शहर में एक आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार की धरपकड़ के लिए लगाए गए पिंजरे में आज सुबह गिलास हाउस के पास ये गुलदार पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 8 साल का ये नर गुलदार ग्लास हाउस के पास 17 मई की रात 2.5 साल के सूरज को उठा ले गया था। हालांकि डाक क्षेत्र में गुलदार के दहशत से लोगों को जरूर निजात मिली है। गुलदार की दहशत पर वन विभाग ने 11 पिंजरे और 20 से अधिक कैमरा ट्रैप क्षेत्र में लगवाए हैं। यह गुलदार की सक्रियता पर नजर रखी जा रही है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। श्रीनगर में पिछले शुक्रवार को जो घटना हुई थी उसमें जो घटना स्थल है इसके एग्जैक्ट 100 मीटर की दूरी पर जो उसका एक गुलदार का ट्रैक है उसमें हम लोगों ने जो पिंजरा लगाया था उसमें आज एक गुलदार कैद हुआ है। सुबह लगभग 2:30-3 बजे की घटना है जिसमें गुलदार कैद हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही गुलदार है जिसने अटैक किया है और फाइनल जो एक WI की रिपोर्ट आएगी उसमें यह सेटल हो पाएगा। श्रीकोट की जो घटना है जो सोमवार को घटना हुई उसमें हमारा विजिल और जो हमारी तत्परता है वो हम लोग बनाए रखेंगे और जो हमारा प्रयास है वह हमारा जारी रहेगा जब तक हमें इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कोट क्षेत्र है जिसमें सोमवार वाली घटना हुई थी उसमें हमारे प्रयास जारी है, वहाँ हमारा केजिंग और ट्रैंकुलाइजिंग का ऑपरेशन जारी रहेगा। आप कहना चाहेंगे? मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि जो भी गुलदार मानव वन्य जीव संघर्ष घटना में संलिप्त है उस गुलदार को हम लोग बिल्कुल भी जो है प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ते नहीं है, उसको रेस्क्यू सेंटर लिया जाता है। हालांकि ये बात सही है कि कोई गुलदार अगर घर में फंसा है, उसने किसी मानव पे अटैक नहीं किया है, किसी कलवर्ट में फंसा है, वैसे गुलदार जो हम लोग पकड़ते हैं उसको हम लोग जो है प्राकृतिक वास्तव में छोड़ते हैं।